Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the nuclear models. In the previous video we have studied about the nuclear properties like variation of radius with mass number, charge density, binding energy, etc. But to understand the above behavior of atomic nucleus, it is essential to know the exact nature of the forces between the nucleons. However, due to lack of knowledge of the exact nucleon force, it has not been possible to develop a satisfactory theory of nuclear structure. In the absence of a comprehensive theory, all the attempts are made to develop the nuclear model to explain the properties of nuclei. Several different models have been suggested, each with its success and limitations. So, बहुत सारे मॉडल्स यूज किए गए, उनके कुछ उनमें कुछ सफलता मिली और कुछ लिमिटेशन रहे. द इम्पॉर्टेंट मॉडल्स आर लिक्विड ड्रॉप मॉडल, न्यूक्लियर सेल मॉडल, फर्मी गैस मॉडल, अल्फा मॉडल, कलेक्टिव मॉडल एंड ऑप्टिकल मॉडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस द लिक्विड ड्रॉप मॉडल. The liquid drop model of the nucleus was first proposed by Niels Bohr and F. Kalkur in 1937. They observed that there exist many similarities between the drop of a liquid and a nucleus. Like both the liquid drop and the nucleus possess constant density. Liquid drop or nucleus, dono ki डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है. उसी तरह से द कॉन्स्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज सिमिलर टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड. मीन्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो न्यूक्लियस का होता है वो सिमिलर होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी लिक्विड की. जितनी ज़्यादा न्यूक्लियंस होते हैं उसकी उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है. उसी तरीके से जिस तरीके से जितना ज़्यादा लिक्विड होता है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उतना ज़्यादा होता है. एंड थर्ड इज द इवेपोरेशन ऑफ ए ड्रॉप करिस्पॉन्ड्स टू द रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस. उसी तरीके से जैसे ड्रॉप का इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है कि जैसा है न्यूक्लियस के. जैसे न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी तरीके से ड्रॉप का इवेपोराइजेशन होता है. वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है फिर वो इवेपोरेट होता है. जैसे न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स का इमिशन होता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस में. एंड द फोर्थ इज द कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप्स बियर्स रिसेम्बल्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस. तो कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप सेम है जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस. जैसे ड्रॉप्स फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स के कंडेंस होने से, उसी तरीके से न्यूक्लियस कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है न्यूक्लियॉन्स के जुड़ने के कारण, फॉर्मेशन होने की वजह से. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द न्यूक्लियस इज सपोज टू बी स्फेरिकल इन शेप इन द स्टेबल स्टेट विथ रेडियस आर इक्वल आर नॉट ए टू द पावर 1/3. Where A is the mass number, just as a liquid drop is spherical due to symmetrical surface tension forces. तो उसी तरीके से liquid drop भी spherical होता है surface tension की वजह से. The surface tension effect are analogous to the potential barrier effect on the surface of the nucleus. So it is similar. The density of a liquid drop is independent of the volume, as is the case with the nucleus. But whereas the nuclear density is independent of the type of nucleus and the density of liquid does not depend on its nature. So similarity के साथ एक difference भी है कि nuclear density independent होती है types of nucleus के. हर nucleus के लिए nuclear की density same होती है, लेकिन liquid के case में liquid की density depend करती है उसके nature पर. तो लिक्विड कैसा है, लिक्विड वाटर है या लिक्विड ऑयल है. लाइक द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड ड्रॉप
interact only with their immediate neighbors. तो जैसे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्ट करते हैं अपने पड़ोसी के साथ, उसी तरीके से लिक्विड में भी मॉलिक्यूल अपने नेबर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करते हैं. द नॉन इंडिपेंडेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज एनालॉगस टू द नॉन इंडिपेंडेंस ऑफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑन द साइज ऑफ द ड्रॉप. जिस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंडिपेंडेंट होता है, उसी तरीके से हीट वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड साइज ऑफ ड्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ऑल्सो मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड ड्रॉप इवेपोरेट फ्रॉम द लिक्विड सर्फेस इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ड्यू टू देयर इंक्रीज एनर्जी ऑफ थर्मल एजिटेशन. जो लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं किसी लिक्विड सरफेस से जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और उनके टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है जिससे उनमें हलचल होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं. दिस इज सिमिलर इफ हाई एनर्जी न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल आर फोटोन बम्बार्ड द न्यूक्लियस ए कंपाउंड न्यूक्लियस इज फॉर्म इन विच न्यूक्लियॉन्स क्विकली शेयर द इंसिडेंट एनर्जी एंड इमिशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड फोटॉन्स और फोटॉन्स अकर. तो उसी तरीके से जब हाई एनर्जी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट किया जाता है या बम्बार्ड कराया जाता है किसी न्यूक्लियस पर, तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होता है और वो तुरंत अपनी एनर्जी को शेयर करता है और इमिशन होता है न्यूक्लियॉन्स का. सो दिस इज ऑल द सिमिलरिटीज ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप विथ न्यूक्लियस. सो दिस मॉडल वेरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द मैथमेटिकल पार्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग कर्व. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू.